हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपका फ़ोन अपडेट मांग रहा है तो आप किस प्रकार से फ़ोन को अपडेट करेंगे। और अपडेट से कई फ़ायदे होते हैं। एक तो फ़ोन आपका स्मूथली रन करने लगता है, जैसे कि मेरा फ़ोन रन कर रहा है स्मूथली और लोड नहीं होता है और प्रॉपर तरीके से वर्क करता है और कहीं भी आपका फ़ोन हैंग नहीं होता, सबसे बड़ी बात होती है। कुछ लोग अपडेट करते हैं तो सारे जो प्ले स्टोर में जाके जो ऐप्स होते हैं ना, तो उन्हीं को अपडेट करते रहते हैं। जैसे कि मैं व्हाट्सअप हो गया, ये कई सारे जो ऐप्स हम यूज़ करते हैं, जैसे मैं आपको शो करा देता हूँ, जैसे ये फ़ोनपे वगैरह, इन्हीं को आप प्ले स्टोर में जाके अपडेट करना होता, वो अपडेट नहीं होता गाइस। अक्सर आप देखे होंगे कि अगर आज अपडेट किया है अगर ऐप को, तो वो नेक्स्ट डे खुद ही फिर से मांगने लगता है आपका अपडेट। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे कि आपको जेन्युइन तरीका, जो कि आप फ़ोन को अपडेट कर सकें और आपका फ़ोन स्मूथली रन करे। और क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर में नए नए फीचर्स भी होती हैं जो आपके फ़ोन को अच्छे तरीके से वर्क करने में सहायता करता है, मतलब ऑपरेट करने में। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सेटिंग में जाना है। और सेटिंग में आपको सबसे ऊपर पहले ही ऑप्शन दिख रहा होगा अबाउट फ़ोन, देख सकते हैं अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। तो ये होता है सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। कई कई फ़ोन पे नीचे साइड होता है कि अबाउट का ऑप्शन होता है, जैसे कि ये फ़ोन मेरे में सबसे ऊपर यहाँ पे शो हो रहा है कि अबाउट का ऑप्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब देख ही सकते हैं मेरे में जो भी वर्ज़न होगा तो वो वहाँ पे अभी शो होगा प्रेजेंट टाइम में। पर ये देख सकते हैं अपडेट मांग रहा है, आपके में कभी नीचे भी मांग सकता है, जैसे कि नीचे आपका देखेंगे, और मेरे में जैसे कि ऊपर ही देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक कर दिया है। तो देखिए अपडेट हो रहा है, 62% यहाँ पे ऑलरेडी ये अपडेट हो चुका है गाइस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके नए फीचर्स होंगे और पूरा मैं अपडेट करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, जैसे कि जहाँ पे अपडेट मांग रहे हैं ना, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, अपडेट पे क्लिक किया था और यहाँ पे अपडेट क्लिक करने के बाद ये नीचे धीरे धीरे प्रोसेस हो रही है। अब देखिए 80% हो गया, तो आपके पास अच्छा खासा डाटा होना चाहिए, क्योंकि कम से कम 2 से 3 GB का ये होता है। तो एक्चुअली 5G आपका नेटवर्क हो तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में 5G अनलिमिटेड है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ये तुरंत हो जाएगा। देखिए मैंने अभी किया है इसे और ये रिसेंटली होने ही लगा है, ऐसे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा 80%। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक बार आपका फ़ोन क्या होगा, अपने आप शट डाउन होगा, बोले तो स्विच ऑफ होगा, और तुरंत ही मतलब कुछ देर में जब इसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और आपका फ़ोन स्मूथली रन करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा वीडियो पुश कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन रही है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, जो 80% यहाँ पे शो हो रहा था वो यहाँ पे मेरा रिबूट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, अब आ रहा है क्योंकि वो पूरी प्रोसेस हो गई है, मैंने थोड़ा वीडियो को पुश कर दिया था। अब देखिए मैंने जैसे कि बताया था रिबूट नाउ, तो मैं यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, रिबूट नाउ पे। अब देखिए फ़ोन जो होता है आपका धीरे धीरे आपका अपने आप शट डाउन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पे कुछ भी बटन प्रेस नहीं करूँगा, देखिए ओपन हो गया। तो इस प्रकार से आपका भी फ़ोन होगा और ईजिली आपका अपडेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है, आपको घबराने वाली बात नहीं है कि आपका फ़ोन क्या हो गया, ये स्विच ऑफ हो गया मेरे में वायरस वगैरह, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही स्मूथली आपका फ़ोन रन करेगा। और हाँ, आपका थोड़ा सा ज़्यादा, यदि आपकी फ़ोटोज़ वगैरह या फिर आपकी वीडियोज़ वगैरह बहुत ज़्यादा फ़ोन है तो लोड पड़ता है मोबाइल पर, तो उतना देता है मतलब ऑन होता है, तो थोड़ा सा वेट भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थोड़ा सा ओपन हो जाए, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या फीचर्स नए होते हैं। और वैसे मेरा फ़ोन तो स्मूथली रन कर ही रहा है, पर अगर समय समय पर ये अपडेट आता है तो प्लीज़ अपडेट कर ले। फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो गया है, मतलब अपडेट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगा रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, ज़रूरी लगाना ज़रूरी होता है। अब देखिए गाइज, मेरा यहाँ पे अपडेट कंप्लीट हो गया। अब मैं सेटिंग में जाके आपको फिर से दिखाता हूँ क्या ये अपडेट फिर से मांग रहा है। तो देखिए यहाँ पे अब अपडेट का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है गाइस, जो न्यू अब वर्ज़न है वो यहाँ पे शो हो रहा है। और ये अक्सर आपको ऑलरेडी हमेशा अपडेट करने के लिए नहीं बोलेगा गाइस, अगर जब भी कोई न्यू वर्ज़न आता है तभी अपडेट करने के लिए बोलेगा, अक्सर नहीं होगा। आई होप ये वीडियो से रिलेटेड सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। हाँ, थोड़ा सा वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर बिल्कुल भी आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद अपडेट से रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और थोड़ा सा भी पसंद आया हो वीडियो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं आपका शुभम, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे, धन्यवाद।